राइट सो ये सारे उनके रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन ये सब आपके पास ऑलरेडी हैं, इसके डिटेल में चाहे वो नींद भी क्यों ना हो कि आप जब ये करेंगे आपकी नींद धीरे 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 ठीक होने लगेगी, राइट। तो आपके खाने से नींद का पूरा कनेक्शन है, खाने के अलावा नींद का कनेक्शन तीन चार चीज़ों से और भी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कनेक्शन लाइट से, रोशनी से। अब देखिए रात को जब आप यहाँ पे बैठे थे तब यही वाली रोशनी थी, अभी भी जब बैठे हैं सेम रोशनी है ना। तो अबाउट 700 लक्स रोशनी, लाइट को मेजर करते हैं कितना ब्राइटनेस है उसे कहते हैं लक्स। तो ये कितना लाइट है यहाँ पे, 700 लक्स। अभी बाहर से आप आ रहे हैं, बाहर जो सूरज उगा है वो कितना लक्स है, 1 लाख लक्स। कहाँ तो 700, कहाँ 1 लाख बाहर, अभी बाहर राइट नाउ, राइट। तो जितना ब्राइटनेस में दिन में रहेंगे उतनी अच्छी नींद रात को होगी, जितनी अच्छी नींद रात को होगी उतना आपका बॉडी का रिपेयर और मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड ज्यादा तेजी से होगा। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। जो लोग बोलते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, मैं उन्हें एक ही बात बोलता हूं कि दिन में बी इन द ब्राइटनेस, राइट। हमारा दिन और रात जिस तरह का डिजाइन पहले से बना हुआ है ये सब, तो उसमें कोई फर्क नहीं कर पा रहा ब्रेन, ब्रेन को नहीं पता चल रहा ये रात है कि दिन है, क्योंकि कल रात को भी ब्रेन ने यही देखा, आज भी देखा, रोज ही ये देखेगा, जैसे आपके ऑफिस में होता है रोज ही एक ही। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आधा घंटे कम से कम ब्राइटनेस के पास जाओ, सूरज से ज्यादा ब्राइट कुछ है नहीं। तो अगर आप सूरज की धूप ज्यादा तेज लगती है तो कम से कम खिड़की के पर्दे तो खोल दो, शीशे ना भी खोलो, राइट। पर्दे खोल दिया, ब्रेकफास्ट आपने खिड़की के सामने लिया, वो जो उजाला आपकी आंखों में पड़ रहा है वो रात की नींद की तैयारी कर रहा है, राइट। इसका ठीक उल्टा कर लेते हैं कि आप चाहते हैं कि आपको नींद ना आए, तो रात को जब शाम ढलने के बाद ब्राइटनेस, इस तरह की ब्राइटनेस के आसपास मोबाइल फोन में लगे रहिए, नेटफ्लिक्स देखते रहिए, तो आपका ब्रेन इंटरप्रेट करेगा तो दिन है, तो दिन वाले हार्मोन रिलीज करेगा, रात वाले नहीं करेगा, और आप काफी रात तक जग पाएंगे, सुबह होते ही नींद आने लगेगी, फिर हम सोचेंगे भाई ये क्यों हो रहा है, हम तो सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं, राइट। तो किस तरह से जाने अनजाने हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और किस तरह से आपस में स्लीप, ओबेसिटी, कैंसर, ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड ही हैं, ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे कंक्लूसिवली ये मैं बोल रहा हूं कि विंडो ऑफ ईटिंग को जितना आप बढ़ाते जाएंगे डिजीज उतना अपीयर होता जाएगा, आगे ना डिजीज, विंडो ऑफ ईटिंग को जितना आप घटाते जाएंगे उतना डिजीज डिसअपीयर हो गया, गायबोगन डिजीज, राइट। तो जब भी आपको बीमार पड़ना है तो विंडो ऑफ ईटिंग को फैला दो, दोबारा ठीक होना है विंडो ऑफ ईटिंग को दोबारा सर्कल क्लॉक के बीच में ले आओ, राइट। तो चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो नींद हो, राइट, ये सारी चीजें, डायबिटीज हो, वो सारे आपस में ही कनेक्टेड हैं, एंड कनेक्टेड विद व्हाट, फर्स्ट द टाइम ऑफ ईटिंग एंड द एक्सपोजर टू लाइट सोर्स। इंटरेस्टिंग बात है, ये जो लाइटें आप देख रहे हैं बचपन से हम, ये लाइटें कब आई दुनिया में, 100 साल पहले आई। इंसान कब आया, 3 लाख साल से पहले। तो 3 लाख साल से हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए लाइट का मतलब सनलाइट ही हुआ करता था, या फिर मशाल वगैरह, छोटे मोटे मोमबत्ती हुआ करता था। सिर्फ 100 साल से ही लाइट को हम पूरी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, जब चाहे लाइट ले सकते हैं, लेकिन हमारा बॉडी वो 3 लाख साल से पिछले 100 साल में इवॉल्व नहीं हो पाया इस नए सेटअप में। हमारे बॉडी का लाइट का मतलब बॉडी इंटरप्रेट करता है ये दिन है, राइट। लाइट मींस इट इज अ डे फॉर द बॉडी, आप समझ रहे हैं, राइट। और डे में बॉडी का सर्कैडियन क्लॉक कुछ तरह के हार्मोन को रिलीज करता है जिससे हम अलर्ट रहते हैं। तो ब्रेन को कैसे समझ आएगा कि ये डे है, समझ आने के लिए लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई ऐसे लोग हैं अनफॉर्चुनेट जो ब्लाइंड पैदा होते हैं, तो उनका बॉडी डे एंड नाइट इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, तो उनको नींद कभी भी आएगी और वो कभी भी उठेंगे, राइट। ये दिक्कत उनके साथ आती है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको, उसके बॉडी को नहीं पता डे कौन सा है, नाइट कौन सा है। तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा कभी भी सो जाता है और कभी भी उठ जाता है, कभी भी खाना मांगने लगता है, कभी भी रोने लगता है, कभी भी खेलने लगता है, कोई रूटीन नहीं होता ना। लेकिन धीरे 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 उसकी आंखों से जब वो रोशनी लेता है तो उसका बॉडी उसका सर्कैडियन क्लॉक बनाने लगता है, और कुछ महीनों के अंदर उसका जो स्लीप का रूटीन है वो उसके पेरेंट्स के रूटीन से मैच करने लगता है ना।
तो सर्किडियन क्लॉक के साथ हम पैदा नहीं होते, पैदा होने के बाद लाइट सोर्स से और भी खाने के सोर्स से धीरे धीरे हमारा बॉडी उसे बनाता है। अगर हमारा सर्किडियन क्लॉक सेट नहीं होता, बचपन वाला ही रहता, नो सर्किडियन क्लॉक, तो इस वक्त आप में से आधे लोग सो ही रहे होते हैं, आधे लोग रो रहे होते हैं, जैसे बच्चे करते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी रोने लगते हैं, कभी खेलने लगते हैं, कभी खाना मांगने लगते हैं, बिकॉज उनका सर्किडियन क्लॉक सेट नहीं हुआ है, राइट। तो अब चाहे हम ओबेसिटी की बात करें, कैंसर की बात करें, इन सब में व्हाट इज कॉल्ड टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। जैसे हमने टाइम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो जो कैंसर था, कैंसर मतलब वो ट्यूमरस ग्रोथ, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, वीकनेस आ गई, वो सिम्टम धीरे धीरे अपने आप ही गायब होने लग जाते हैं। आपको सिर्फ टाइम को उसके बीच में रखने की कोशिश करनी है। एक आध बार कभी हफ्ते में इधर उधर तो हो ही सकता है, लेकिन ट्राई टू हैव ए कंट्रोल ऑन द टाइम। यहाँ पे टाइम को जो हम कंट्रोल रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स हैं, खास तौर पे ऐसे पेशेंट जिनके ट्यूमर इतने ज़्यादा हैं कि उनका मुंह नहीं खुल रहा, या अल्सर ऐसा है कि वो खून ही उसमें पस आता जा रहा है, तो उनका टाइम हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं 8 hour विंडो ऑफ ईटिंग 15 days के लिए, यानी सुबह 10 से लेकर शाम के 6 तक। खाना कम नहीं कर रहे हैं हम, टाइम ऑफ ईटिंग को कम कर रहे हैं। 15 गुजर गए तो 10 hour विंडो ऑफ ईटिंग, जैसा कि आपका ऑलरेडी अभी है 9 से 7 है, राइट। वो 15 और किया तो थोड़ा और इम्प्रूव हो गया, जिंदगी भर के लिए 12 hour विंडो ऑफ ईटिंग 12 hours, 8 AM टू 8 PM के बीच में खाना वाला खा लो, 8 PM टू नेक्स्ट डे 8 AM कुछ मत खाओ। पानी पी सकते हैं, पानी में कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, कोकोनट वाटर नहीं पी सकते, उसमें तो वो तो फूड है, उसमें तो कार्ब सब कुछ है, राइट। सिर्फ कहने को वो वाटर है, बट वो तो फूड है। तो इस तरह से आपकी जो टाइमिंग है, वो आपके फूड उनको इम्पैक्ट करती है, आपके बॉडी को इम्पैक्ट करती है। तो इसके साइंस को पूरी तरह समझने के लिए एक उदाहरण और ले लीजिए, ये श्रीलंका का उदाहरण है तो दुखदायी उदाहरण, लेकिन आपके आंखें खुलने के लिए इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका में ये कुछ साल पहले का है, राइट, और 2012 का, 15,000 किसानों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सुसाइड जब अटेम्प्ट करते हैं किसी भी जगह के लोग, तो उनको एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड कितने मात्रा में वो उनको आइडिया होता है, एक ही जैसा होता है सबके लिए। और सुसाइड अटेम्प्ट किया पेस्टिसाइड खा के, तो उनमें ये देखा गया जिन लोगों ने बाई चांस शाम को रात को सुसाइड अटेम्प्ट किया वो सब बच गए, जिन लोगों ने सुबह सुसाइड अटेम्प्ट किया वो सब मारे गए, राइट। ये कहती है, तो अब एक ही तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश, लेकिन शाम वाले सारे बच गए और दिन वाले सारे मर गए, ये इसके पीछे छुपा है आपके सर्किडियन क्लॉक। यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि सूरज ढलने के बाद जो भी मुंह में जाएगा वो बॉडी में एसिमुलेट, यूटिलाइज, मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगा, और जो चीज अटक के रह जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वही आपके लिए बोझ बन जाती है, राइट। एक ही तरह का फूड अगर सुबह खाएंगे तो बॉडी उसे फटाफट हर जगह भेज देगा, सारे सेल्स को उपयोग कर लेंगे, वेलकम कर लेंगे, और वो पूरी तरह बॉडी में छा जाएगा और उसका प्रभाव आपके बॉडी में पड़ेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। बट इस केस में वो पॉइजन था, जिन लोगों ने सुबह सुबह पॉइजन खाया तो वो बॉडी तैयार थी कोई भी नई चीज लेने के लिए, पूरे बॉडी में फैल गया पॉइजन, हर सेल में पहुंच गया, एंड एवरी सेल डाइड, द पर्सन डाइड। लेकिन इसके ठीक कॉन्ट्रास्टिंग, जिन लोगों ने रात में वही वाला पॉइजन खाया तो बॉडी के सारे सेल्स ने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो वो फैला ही नहीं, कहीं कहीं अटक गया, वो लोग बचा लिए गए, या वो लोग अपने आप ही कुदरती बच गए। तो इससे आप ये समझिए कि एक ही चीज अलग टाइम पे खाने से उसका असर बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है, राइट। मैं एक उदाहरण और देता हूँ आपकी लाइफ से, मान लो दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई है, ब्लड प्रेशर की दवाई अगर सुबह 9 खाते हैं 9 o'clock, तो ब्लड प्रेशर बड़ी तेजी से नीचे करेगा, वही वाली दवाई रात को 9 खाइए तो उसका असर एक तिहाई रह जाएगा, बहुत थोड़ा असर रह जाएगा। तो टाइम ऑफ ईटिंग, राइट, किस टाइम पे खा रहे हैं, वो आपके, वो फूड आपके लिए कैसा काम करेगा, वो उस पर निर्भर करता है। फॉर्चुनेटली फॉर द फार्मर्स, उन फार्मर के लिए जो कि रात को खाया तो बचा लिए गए, लेकिन इस केस में तो फूड है ना, जो आप चाहते हैं कि बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए। तो आफ्टर सनसेट व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, कोई भी कारण हो चाहे, लेकिन वो बॉडी में स्टोन बनेगा, ब्लॉकेज बनेगा। वो स्टोन जब निकालते हैं, उस स्टोन को अगर आप माइक्रोस्कोपी देखेंगे, केमिकल एनालिसिस करेंगे, उसमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेगा, वो एक न्यूट्रिशन हब है। वो न्यूट्रिशन जो बॉडी यूज नहीं कर पाया तो उसको, वो आपके लिए बर्डन बन गया। अब
जब आप 7 बजे खाना खा लेंगे उसके बाद अगले दिन 9 बजे तक कुछ नहीं खा रहे, ये 14 घंटा बॉडी को कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए। तो बॉडी क्या करता है, इस 14 घंटे में वो जो ट्यूमर था, चाहे वो ब्रेन में ट्यूमर हो, चाहे वो ओवरी में सिस्ट हो, चाहे वो किडनी में स्टोन हो, वो सारे न्यूट्रिशन के हब हैं। बॉडी उस 14 घंटे में जब कोई फूड मुंह से नहीं जा रहा, उन सोर्स को ब्रेक करेगा, करता है और उसमें से न्यूट्रिशन लेके डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तो जरा सोचिए कि आपको वो स्टोन से, उस ट्यूमर से छुटकारा भी मिल गया, राइट, और बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिल गई। इसे मेडिकली बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी से मेडिकली बोलते हैं। ऑटोफेजी पे 3 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, 3 बार अलग अलग टाइम पे नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। तो एक बॉडी का इंपॉर्टेंट साइंस है, लेकिन ये साइंस कब काम करेगा, जब आपके 24 घंटे का कम से कम 14 घंटे आप खाना दे नहीं रहे हो, तो बॉडी मजबूर होगा, ट्यूमर ढूंढेगा, वो सिस्ट ढूंढेगा, वो राइट, और उससे तोड़ के कोई ब्लॉकेज ढूंढेगा, उसमें से निकाल निकाल के बॉडी फीड करेगा अपने आप को। इसके ठीक विपरीत, अगर आप खाना बॉडी को देते रहते हैं, 10 बजे खा लिया रात को, फिर 12 बजे खा लिया, सुबह उठते कुछ ना कुछ खा लिया, तो बॉडी कहता है मुझसे तो आ ही रहा है खाना, तो बाकी जगह जो रिजर्व्स है उसको रहने दो, जबकि वो रिजर्व नहीं है, वो आपके लिए बोझ था, बोझ है ना। तो ये इससे आप समझ सकते हैं, ये कोई एक दिन दो दिन का खेल नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर आपके बॉडी में धीरे धीरे बोझ का रूप ले लेता है। जो चीजें सालों में आपने इकट्ठे किए, वही चीज रिपेयर करने में कुछ दिन लगते हैं, ये इंटरेस्टिंग बात है। जैसे ही आप इसको ठीक कर लेते हैं, इट टेक्स फ्यू डेज टू रिकवर कंप्लीटली। ये बॉडी का एक मैजिक बोल सकते हैं।